हे दोस्तों, कारपेट क्लीनिंग करना है तो एक भरोसे का नाम सामने आता है, डाइवर्सी। डाइवर्सी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। डाइवर्सी का टास्की TR101 कारपेट शैम्पू, जिसका इफेक्टिव केमिकल्स पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, कारपेट क्लीनिंग के केमिकल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें। क्यों टास्की TR101 को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग करने वाले? टास्की TR101 एक कॉन्सेंट्रेटेड कारपेट शैम्पू है, जो कारपेट के साथ चेयर क्लीनिंग करने के लिए भी यूज में आता है। इसका डाइल्यूशन है कम गंदी सतह के लिए, यानी लाइट सॉइलिंग के लिए 300 ml, यानी 3% सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में, और हेवी सॉइलिंग के लिए, यानी ज़्यादा गंदी सतह के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में, यानी 10% सॉल्यूशन। जैसे कि हमने देखा, लाइट सॉइलिंग के लिए 300 ml सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में, और हेवी सॉइलिंग के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में। दोस्तों, जितना आप आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, उतना ही क्लीनिंग से जुड़े नॉलेज को एनहांस करेंगे। अब सवाल ये है कि हेवी सॉइलिंग के लिए 2 लीटर पानी में कितना ml सॉल्यूशन मिलाकर इसे इस्तेमाल करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, 2 लीटर पानी में कितना सॉल्यूशन डालना है। क्लीनिंग करते समय कारपेट एरिया को ध्यान में रख के ही डाइल्यूशन करें। इससे आपका कॉस्ट इफेक्टिव क्लीनिंग होगा और केमिकल का वेस्टेज भी नहीं होगा। कम केमिकल की लागत में बेहतर सफाई का मजा तभी आएगा जब वेस्टेज कम होगा, और यही गोल है हमारा, मोर क्लीनिंग इफेक्ट विद जीरो केमिकल वेस्टेज। दोस्तों, टास्की के और भी क्लीनिंग केमिकल्स का लिंक आई बटन में दिया है। डाइवर्सी का टास्की TR101 कारपेट शैम्पू को कैसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल से पहले क्या क्या तैयारी करें? दोस्तों, TR101 के इस्तेमाल से पहले जो हेवी ट्रैफिक वाला एरिया है, जहां ज़्यादा फुटफॉल वाला कारपेट एरिया है, वहां पर मीडियम हार्ड टॉल ब्रश से जेंटली स्क्रब करें और पूरे एरिया को वैक्यूमिंग कर ले। इससे कारपेट का डस्ट परफेक्टली वैक्यूम से निकल जाएगा। अगर कोई दाग धब्बा है तो उस सतह पर स्पॉटर लगाकर ब्रश से स्क्रब करें। इससे दाग सॉफ्ट हो जाएगा और फाइनल क्लीनिंग करते समय पूरा निकल जाएगा। सिंगल डिस्क को 2 ब्रश लगते हैं। एक हार्ड होता है, वो फ्लोर स्क्रबिंग के लिए होता है, और दूसरा जो सॉफ्ट होता है वो कारपेट क्लीनिंग के लिए होता है। तो आप सॉफ्ट वाला ही कारपेट ब्रश इस्तेमाल करें। अगर गलती से हार्ड ब्रश लगा दिया तो कारपेट खराब होने की संभावना है। डाइल्यूट किया गया सॉल्यूशन सिंगल डिस्क के फोम जनरेटर में डालें और मशीन से क्लीनिंग शुरू करें।
अगर कोई एरिया ऐसा है जहां सिंगल डिस्क का ब्रश नहीं पहुंच रहा है, वहां पर सॉल्यूशन लगाकर पट्टी ब्रश से स्क्रब करें। इसका टेक्निकल डेटा है अपीयरेंस क्लियर येलो लिक्विड। इसका पीएच है 1% सॉल्यूशन का 6.5 to 7.5। सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज की जानकारी। दोस्तों, ये सॉल्यूशन इस्तेमाल करने के लिए कोई सेफ्टी गियर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन है तो प्रोटेक्टिव ग्लोव्स जरूर इस्तेमाल करें। अगर गलती से ये सॉल्यूशन आंखों में गया तो तुरंत ही साफ पानी से आंखें धो ले। टास्की TR101 कारपेट शैम्पू को 5 डिग्री से नीचे वाले तापमान में ना रखें और ना ही इस्तेमाल करें, और इसे 2 साल तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी उत्पाद किए गए तारीख से 2 साल तक आप स्टोरेज करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल कारपेट क्लीनर इसे ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये केमिकल बहुत ही कोमलता से कारपेट को क्लीन करता है, दाग धब्बों को निकालकर चमकदार सफाई का आनंद देता है। इसकी खुशबू हवा में फैल जाती है सफाई करते समय। इसके जैसा रिजल्टफुल कारपेट क्लीनिंग लिक्विड कोई नहीं। आपको भी प्रोफेशनल लेवल का कारपेट क्लीनिंग करना है तो TR101 को ही इस्तेमाल करें। अगर आपको एक केमिकल खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, डस्ट के डॉक्टर के साथ जितना आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उतना ही क्लीनिंग से जुड़े स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो क्लीनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, चाहे वो CEO हो या फैसिलिटी मैनेजर या सुपरवाइजर या हाउसकीपर, अपने आप को तैयार करें ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एक लाइक आपके नाम। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।